हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम शशिकला कनौजिया है और आप देख रहे हैं जोश लीगल नॉलेज। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑफेंस जो चैप्टर 11 के अंदर डिफाइन है उसी के सेक्शंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर मैं बेसिकली आपको सेक्शन 67 ही बताऊंगी, क्योंकि सारे जो ऑफेंसेस के सेक्शंस है काफी इंपॉर्टेंट अपने में ही है और इसकी जो पनिशमेंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक सारे सेक्शंस को काफी मतलब डायरेक्ट से अच्छे से नोट्स बना के आप लोगों को मतलब शो कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्शन 67 क्या डील करता है। सेक्शन 67 डील करता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सेन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आप कोई भी पब्लिश कर रहे हो या ट्रांसमिटिंग कर रहे हो कि कोई भी ऑब्सेन मटेरियल को, ठीक है, अश्लील, ऑब्सेन मतलब होता है अश्लील मटेरियल को इन इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी हम वो पढ़ेंगे। तो हूएवर पब्लिश ट्रांसमिट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कोई भी मेटेरियल, एनी मेटेरियल विच इज लेसिवियस। लेसिवियस का मतलब क्या होता है, जिसमें फीलिंग, सेक्सुअल इंटरेस्ट और डिजायर वो करे, ठीक है, और अपील टू प्रूडेंट इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट हो, क्या इंटरेस्ट हो। अब देखो यहाँ पर प्रूडेंट का मतलब होता है इंटरेस्ट हो, किस चीज का इंटरेस्ट हो कि उससे क्या इफेक्ट हो। जैसे कि किसी भी पर्सन कोई भी पब्लिश कर रहा है उसका इंटेंशन ये है कि वो क्या इफेक्ट करे, टेन टू डिप्रेव। डिप्रेव मतलब होता है मोरली किसी को बैड हार्म पहुंचाना, करप्ट करे। पर्सन हु आर लाइकली हैविंग रिगार्ड टू ऑल रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस, जिसे उस रीड सी और हियर जो वो उस मैटर को करे तो उससे उसको इफेक्ट हो, उससे सर्कमस्टांसेस जो ऐसे बन जाए और जिससे वो रियली वो फील करे कुछ डेंजर में आने का या वो डर जाए, तो इस सब की पनिशमेंट है वो इसमें बता रखे। इस सब की जो पनिशमेंट है वो इसमें बता रखे। सॉरी मैं वीडियो बना रही थी और बारिश अचानक आ गई और जो मेरा विंडो था वो ओपन था। इसकी जो पनिशमेंट है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। अगर आपने ऐसा अपराध पहली बार किया है तो आपको इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 3 ईयर हो सकती है एंड फाइन। यहाँ पर भी एंड बोल रखा है तो आप खुद सोचो ये कितना हीनियस क्राइम है। एंड फाइन एक्सटेंड टू ₹5 लाख। अगर आप सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, आपने सेकेंड टाइम भी ऑफेंस किया विद इम्प्रीज, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, विद इम्प्रीजमेंट एक्सटेंड टू 5 ईयर। पहले 3 ईयर थी फिर 5 ईयर हो गई और उसकी फाइन भी है, उसका फाइन 10 लाख तक हो गया। पहले 5 है तो मतलब आप सोचो कि पनिशमेंट भी थोड़ी सी बढ़ गई और वो भी बढ़ गया। अब 67B करेंगे, 67B सॉरी A करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मेटेरियल कंटेनिंग सेक्शुअल एक्सप्लिसिट एक्ट एसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखो जो सेक्शन 67A है और सेक्शन 67B है उसमें एक ही चीज है, उसमें क्या है, ये कंटेन करके अपने पास रख रहा है। अगर आप कोई भी ऐसे जो भी सेक्सुअल वीडियोस होती है, इन वीडियोस को अपने अपने फोन के अंदर भी रख रहे हो ना, या आप उसको पब्लिश कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रहे हो, तो भी आपको पनिशमेंट हो सकता है। देखो क्या होता है, हुएवर पब्लिशिंग, मैंने यहाँ पर लिखा था एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, हुएवर पब्लिश या ट्रांसमिट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एनी मटेरियल, कोई भी ऐसे पब्लिश कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कोई भी मटेरियल, विच कंटेन सेक्सुअली कंडक्ट, शैल लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड फाइन एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज, उसकी पनिशमेंट होगी। अगर फर्स्ट कन्विक्शन है और सेकेंड है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन वही दोबारा ऑफेंस कर रहा है, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट 7 साल की हो जाएगी और फाइन हो जाएगा 10 लाख रुपीज तक। अगर आप सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो उसकी पनिशमेंट आपको कितनी देर की, 7 ईयर, फाइन और अपटू 10 लाख रुपीज तक। देखो जिसकी भी पनिशमेंट आप ऐसे भी याद कर सकते हो, उसकी पनिशमेंट अगर पहले टाइम पे 3 साल की दी है तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में 5 साल की हो जाएगी। यहाँ पर देखो 10 लाख रुपीज है तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज ही है, बट हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था उसके अंदर कितना था, फर्स्ट कन्विक्शन अगर आप कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो आप, तो 3 साल की पनिशमेंट और फाइन 5 लाख का था। अगर आप सब्सिक्वेंट हो तो 5 साल की पनिशमेंट और फाइन 10 लाख रुपीज था। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 67B, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
जिसकी डिपिक्टिंग का मतलब होता है टू शो, डिपिक्टिंग का मतलब होता है टू शो समबडी, किसी को शो कर रहे हो। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये सेक्शन पढ़ते हैं, हूएवर पब्लिक और ट्रांसमिट डिपिक्ट चिल्ड्रन एंगेज इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्सेट्रा और कंडक्ट। अगर आप ऐसे कोई भी पब्लिश या ट्रांसमिट करो जिसके अंदर चिल्ड्रन जो है वो एंगेज है सेक्सुअल उसके अंदर, या क्रिएट करे टैक्स और डिजिटल इमेज कलेक्ट सीक ब्राउजर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस मटेरियल को, और जिससे क्या हो रहा है डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन ऑब्सीन और इंडिसेंट और सेक्सुअल इम्प्लिसिट मैनर की उस फॉर्म में, और आप एंटेसाइज कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो चिल्ड्रन को कि वो ऑनलाइन रिलेशनशिप करें विद वन और मोर चिल्ड्रन के साथ, ऐसे ऑफेंड अ रीजनेबल अडल्ट ऑन द कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू, तो आप क्या हो गए यहाँ पर देखो ये भी है डी जो पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, फैसिलिट अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन रिकॉर्ड, अगर आप ऐसा अपने पास रख रहे हैं सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एसेट्रा विद चिल्ड्रन का, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कन्विक्शन है तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड 5 ईयर एंड विथ फाइन मे एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज। अगर आप सब्सिक्वेंट कन्विक्शन कर रहे हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर ये इम्प्रिजनमेंट है, इम्पोर्टेंट मत समझना, इम्पोर्टेंट तो वैसे भी है, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन है जो कहां तक एक्सटेंड हो सकती है, 10 लाख रुपीज तक हो सकती है। इसका प्रोविजो देखो एक चीज भी बोलता है, जैसे कि अगर मान लो कोई अभी हम जैसे कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है तो वो उस डायग्राम को बना रहा है, अगर वो किसी लड़के और लड़की के पूरे पार्ट्स को बना रहा है तो हम उसमें नहीं बोलेंगे कि ये एक ऑब्सीन मटेरियल को अपने डाटा के अंदर स्टोर करके रख रहा है, या ये अपने फ्रेंड को अगर शेयर भी कर रहा है तो वो पब्लिश कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते। तो यहाँ इसका मैं एक प्रोविजो दिया हुआ जो काफी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 67 ए डज नॉट एक्सटेंड टू एनी बुक पैम्पलेट पेपर ड्रॉइंग राइटिंग पेंटिंग फिगर। अगर जो भी पैम्पलेट है पेपर है या पेंटिंग है या कोई फिगर है वो इसके इंटरेस्ट में हो कि इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस लिटरेचर आर्ट ऑफ लर्निंग कैप्ट और यूज फॉर बोनाफाइड हेरिटेज ऑफ रिलीजियस पर्पस, तो उसको जो है वो यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। यहां पर लिखा हुआ ना डज नॉट एक्सटेंड, तो यहां पर वो इंक्लूड नहीं होगा, आप उस पर्सन को नहीं बोल सकते कि उसने ऑफेंस किया। देखो यहां पर एक और भी है, यहां पर एक एक्सप्लेनेशन के अंदर दे रखा था, हमें पढ़ना चाहिए एक्सप्लेनेशन प्रोविजो काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखा था चिल्ड्रन होता है हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, वो पर्सन होता है जिसकी एज 18 साल से कम की हो, जो 18 साल उसने कंप्लीट किया भी ना हो। सेक्शन 67 सी जो है इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज, जैसे कि इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको, वैसे तो इसमें बेसिकली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं आप, जैसे कि आप सीबीआई हैं या कुछ भी हो, तो आपको बोल रखा है कि इस डाटा को स्टोर करके रखो, ठीक है, तो वो स्टोर डाटा को आपको बोल रखा है कि इस टाइम तक ही आप स्टोर कर सकते, जैसे कि किसी कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें प्राइवेट पिक्चर को शो किया जा रहा है और आपको बोला है पुलिस वालों को कि आप इसको स्टोर करके रखो कुछ टाइम तक, आपने उस टाइम से उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद तक इसको स्टोर भी करके रखा है ना, उसकी पनिशमेंट भी आपको यहाँ पर है। तो देख रहे हो आपको आईटी एक्ट में जो है कि कितना ये, अगर आज के टाइम पे साइबर इतना इंक्रीज हो रहा है तो इसके क्राइम्स भी इतने बढ़ रहे हैं और इसकी पनिशमेंट भी आपको दे रखे कि आपको ऐसे ऐसी पनिशमेंट होगी। तो रियली अगर आप साइबर से कोई भी आपको ऑफेंस मिलता है तो आपको इसकी कंप्लेन करनी चाहिए, पनिशमेंट भी उसकी बहुत अच्छी अच्छी दे रखी है। तो पढ़ते हैं इसका, इंटरमीडियरी प्रिजर्व डिटेन करता है इंफॉर्मेशन को विच मे बी स्पेसिफाइड फॉर सच ड्यूरेशन, जिसको बोला गया है देखो मैनर फॉर्मेट, उसको एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिजर्व, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि आपको इस मैनर इस फॉर्मेट में उसको स्पेसिफाई करके रखना है, बट उसको प्रिजर्व करके रखना है, डिटेन करके रखना है, बट उस इन्फॉर्मेशन को कब तक डिटेन करना है वो भी स्पेसिफाइड आपको टाइम दिया होगा। अगर आप द आफ्टर द ड्यूरेशन मतलब उस टाइम के बाद अगर आप उस चीज को स्टोर करके या प्रिजर्व डिटेन करके रख रहे हैं तो उसके पनिशमेंट क्या होगी, उसकी पनिशमेंट होगी शैल बी लायबल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 67 तक ही हम आज 67 तक करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि कम से कम मुझे ऑफेंस का ना मैं इतना लेंथी एक घंटे वाली वीडियो नहीं बना सकती,
मुझे भी थोड़ी दिक्कत होगी और आपको मतलब उस कंटिन्यू वीडियो देखने में ना मजा भी नहीं आएगा। अब शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जैसे 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो देखने में भी ठीक लगता है और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहे क्योंकि मैं डेली वीडियो डाल ही रही हूँ इसके ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, एट द लास्ट मैं यही बोलूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे कमेंट जरूर करना। मुझे कमेंट अगर आप लोग करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होती हूँ कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी बन रही है। या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर एक पर्टिकुलर दोबारा वीडियो लेकर आऊं। थैंक यू।